कहना चाहूँगा, आज पोस्टर लॉन्च हुआ है भाभी माँ का, क्या कहना चाहेंगे? लीड रोल में है आपके, जो पोस्टर है काफ़ी आकर्षक लग रहा है और आपके व्यक्तित्व को पूरा निखार रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ और बहुत सारा प्यार मिला इंडस्ट्री से, ऑडियंस से, सबको बहुत ही अच्छा लगा। जितना अच्छा आपको लग रहा है या हमें लग रहा है, उससे कई गुना अच्छा ऑडियंस को लगा और आई एम सो हैप्पी। तो जिस तरह पोस्टर से लग रहा है कि बहुत लार्जर देन लाइफ इमेज है आपका फिल्म में, मतलब किस तरह का बहुत कड़क अंदाज में आप आने वाली हैं, एक कड़क अंदाज में दिखने वाली और फिर एक नर्म व्यवहार की? ये तो सस्पेंस है क्योंकि अक्सर जब हम फिल्म करते हैं तो भाभी का एक जो कैरेक्टर हमेशा दर्शाया जाता है स्क्रीन पे, वो दिखाया जाता है कि वो हमेशा प्यार करने वाली, या ये भाभी भी वैसी ही है लेकिन थोड़ा सस्पेंस है। मैं चाहूँगी कि जब फिल्म आए तभी ही लोगों को पता चले कि एक्चुअल में भाभी माँ कैसी है। सर आपसे चाहूँगा कि आपका जो किरदार है इसमें और जो भाभी माँ के साथ क्वेश्चन है, क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर? अब यही क्वेश्चन तो देखना है लोगों को भाभी माँ के फिल्म में, इसी क्वेश्चन के लिए हम दिखाने के लिए फिल्म बना रहे हैं। जय जी ने जो सोचा था और सुनील जी ने जो कल्पना की थी कि यार ऐसी फिल्म बनाते हैं, उसमें रानी जी भाभी रहेंगी, हम उसमें किस किस किरदार में रहेंगे, वो डिसाइड करके सोचा है और फिल्म जब आएगी तो समझ में आएगा हम किरदार क्या करते हैं। और अभी तक जो शूट हुआ दिखने में लग रहा है कि काफ़ी जज्बाती फिल्म है, एक बच्चे की कहानी है जिसे काफ़ी प्यार लगा है भाभी माँ से, तो उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? अब एक सब है भाभी, एक तो वैसे ही प्यार ममता का सब, उसके अगर माँ लग गया उसमें डबल जो क्रॉस है भाभी माँ का, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। उस प्यार को हम मतलब बोल नहीं सकते, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो कि आप कहना चाहूँगा कि फिल्म जो है अलग अलग लैंग्वेज में आने वाली है, तो वो कितनी बड़ी बात है आपके लिए, क्योंकि एक फिल्म अलग लैंग्वेज में आती है, अलग अलग दर्शक देखेंगे, तो वो कितना ज़्यादा आपको लगता है कि फिल्म का कामयाबी के लिए जरूरी है? ये फिल्म इतने प्यार से बनाई जा रही है और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि मैं तो चाहूँगी कि हर क्षेत्र के लोग इस फिल्म को देखें। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि कई लैंग्वेज में फिल्म रिलीज़ हो रही है। हम जो मैसेज देना चाहते हैं एक फैमिली के ज़रिए, वो मैसेज सारे लोगों तक पहुंचेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मुझे गारंटी है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि भाभी हर घर में भाभी होती हैं, हर किसी को अपनी भाभी से प्यार होता है, तो ये हर क्षेत्र के लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। तो फिल्म के निर्माता और निर्देशक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब आपके पास आया था प्रोजेक्ट तो क्या सोचकर आपने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे ये फिल्म करनी है? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मिली थी किसी और प्रोजेक्ट के लिए और जैसे मुझे देखा इन्होंने और बताया कि हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं भाभी माँ, तो मैंने कहा कि वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। और मैंने दो तीन एक्ट्रेसेस के नाम भी सजेस्ट कर दिए थे कि ये बहुत अच्छी लगेंगी भाभी माँ में, वो तो जय और प्रत्येश मुझे कहते हैं कि नहीं, हम चाह रहे हैं आप ही भाभी माँ बने। तो मेरा तो रिएक्शन था, मैं भाभी माँ लगती हूँ? कहा नहीं, हमारी भाभी माँ ऐसी नहीं है। तो जब कॉन्सेप्ट सुनाया फाइनली तो मुझे लगा कि यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी माँ बनने में। सर आप नहीं चाहूँगा कि रानी जी हैं मुख्य किरदार में, सर हैं, और जो सब्जेक्ट है बेसिकली जो टाइटल है वो ही बहुत आकर्षक है भाभी माँ, आपको क्या लगता है जो जज्बात हैं खासकर जो इंडियंस मेंटलिटी होती है, काफ़ी जज्बाती होते हैं, कितना कनेक्ट करेंगे सब्जेक्ट से? भाभी माँ एक तरीके से पूरी तरीके से पारिवारिक फिल्म है और हमारा मेन कंसेप्ट ये था कि इस मूवी के जरिए जो रिश्तों की मधुरता है ना, वो लोगों के बीच लेके आए, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समय से ये विलुप्त सा हो गया था। और ऐसा नहीं है कि हम जिस कल्चर से आ रहे हैं वहाँ पे भाभी की माँ के बाद का दर्जा भाभी का आता है, और यही चीज़ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप मूवी में देखेंगे। पर निर्माता के तौर पे जो आपका जो सबसे मुद्दा क्या रहेगा इस फिल्म के माध्यम से क्या दिखाना, और जो मार्केट है इस फिल्म का उसके बारे में बताइए कि अलग अलग लैंग्वेज में कर रहे हैं तो कितना बड़ा? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस फिल्म के जरिए मैं एक ऐसा मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ परिवार के बीच में कि भाभी जो है वो पूजनीय है, और इनको लेके जो गलत फहमियाँ यार इस तरीके से जो आप देख रहे होंगे जो बन रही है वो चीज़ें, वो लोगों के माइंड से रिवील हो और ये चीज़ पॉजिटिविटी आए और मेरा ये पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंच पाए, तो ये मेरा मेहनत सार्थक जाएगा। पहली बार पोस्टर देखा था तो मैं खुद ही वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वाह क्या मतलब ये बन रहा है, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि काफ़ी अच्छी लग रही थी और बहुत पॉजिटिविटी आता है, यू नो आप भी देखे होंगे तो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे कि मतलब ना ये पोस्टर ही सब कुछ कह रहा है।
और अरे ये पहली फिल्म नहीं है जिसमें कि आप खुद के बल पर कोई फिल्म को चला रहे हैं, या मतलब आप एक ना दामोदार कहते हैं आपको हीरो की जरूरत ही नहीं, तो इसके बारे में बताएं क्या कहना चाहेंगे कि आपको हीरो चाहिए नहीं? मैं तो थैंक्स बोलूँगी पूरी टीम को कि मुझ पर इतना भरोसा रखा, और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे एक्टिंग के अलावा मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सारा प्रेशर सब ने ले रखा है, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है भाभी देवर के रिलेशनशिप को छेड़छाड़ वाला या समथिंग इस तरह का ही अक्सर दिखाया जाता है, बट इस फिल्म में एक्चुअल में लोगों को बहुत खुशी होगी भाभी और देवर के एक अलग तरह के रिश्ते को देखने के लिए, बहुत ही लोग प्राउड करेंगे, और मैं श्योर हूँ कि जो मैसेज देना चाहते हैं हम लोग ये मैसेज पहुंचेगा हमारी ऑडियंस तक। अभी का माहौल जो है काफ़ी कुछ बदला है, थिएटर्स खुल गए हैं, शूटिंग हो रही है, तो आप अपने बारे में बताइए क्या आपको लग रहा है आगे चल के किस तरह से देखते हैं इंडस्ट्री का जो बहुत ब्राइट है, जैसे लॉकडाउन खुला है सब इतने ज़्यादा बिजी हैं और अच्छी अच्छी फिल्में शुरू हो रही हैं, देख सकते हैं आप भाभी माँ का सेट आप आकर आपको खुद कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन ने सबको वैसे सबक तो दे दिया कि काम से अपने प्यार करो, और वही चीज़ दिख रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा होने वाला है हमारी इंडस्ट्री के लिए। सर आपसे चाहूँगा कि आज के शूट में इसके लिए पोस्टर जो लॉन्च हुआ है और जो पोस्टर में रानी जी का व्यक्तित्व नज़र आ रहा है एकदम सूटेड नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? रानी जी ऐसी है ही हैं, मेन तो उनका वही है सब कुछ, पूरी मूवी इन्हीं पर निर्भर है, पूरा दारोमदार भाभी माँ, रियल भाभी माँ है ये। और निर्देशक के तौर पे जो जज्बाती सीन्स खासकर देखा मैंने कि एक सीन को करने में बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि जज्बात को निकालना आर्टिस्ट से कितना? कोई चैलेंज की बात नहीं है, अगर टीम सब साथ में काम करी कोई चैलेंज थोड़ी है, कोई हमारे एक उस पर नहीं होता है। पर ये भी कहना चाहूँगा कि आज का जो दौर है आपको लगता है कि इस तरह की फिल्म को कितना एक्सेप्टेंस मिलेगा, क्योंकि ठीक लोग का मेंटेलिटी बदला है, व्यवहार बदला है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है, तो मेरे ख्याल से जितनी भी मूवियाँ हिट हुई हैं ना आज तक माइलस्टोन, पहले लोग फ्लॉप ही बोलते, शोले ले लो आप, मदर इंडिया ले लो, नदिया पार ले लो, धीरे धीरे सब तो ऐसे भाभी माँ ही अपनी है, अब देखेंगे आप लोग का सहयोग हो चीज़ें। अभी लोग वापस से घूम फिर के ना फैमिली ड्रामा पे ही आ गए हैं, क्योंकि अब OTT और सैटेलाइट ने ही कब्जा कर लिया है हर जगह, अच्छे कंटेंट आ रहे हैं। कोरोना ने सिखा दिया है कि और फैमिली बड़ी होनी चाहिए, लोगों का नज़रिया बदल गया है, लोग अब फैमिली के साथ फिल्म देखना चाहते हैं, और जो हमारी इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बात ये बदलाव यही आया है कि अब सबसे ज़्यादा फैमिली ड्रामा ही बन रहे हैं, तो हमारी भाभी माँ उनके लिए तो सबसे बड़ी क्या कहते हैं एक मैसेज देने वाली फिल्म बनकर आगे आएगी। आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला नदिया के और ये सब, तो आपको लगता है कि अगर ये फिल्म से लोग प्रभावित होंगे और इस तरह की फिल्में बननी चाहिए जो एक ना फैमिली का जो होता है जुड़ाव वो इतना ज़रूरी है आज के समय में? देखिए भाई, और लोग बनाए या ना बनाए, हम तो बनाएंगे अच्छी अच्छी फिल्में, पारिवारिक फिल्म भी बनाएंगे, एक्शन भी बनाएंगे, एक्शन भी बनाएंगे, एवरीथिंग बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। STF भी बना रहा हूँ, STF बना रहा हूँ, कर्तव्य बना रहा हूँ, जितनी मूवियाँ हैं बॉस DK बना रहा हूँ, सब बड़े बड़े स्टार कास्ट पे भाभी माँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट होगा और सारी फिल्में बनाएंगे। और सर आपसे भी आपका भी जो रोल है काफ़ी लार्जर देन लाइफ है, मतलब कैसा लग रहा है एज एन आर्टिस्ट इस तरह के? मैं तो इतना प्रभावित हूँ कि जय जी ने मुझे इसके लिए सिलेक्ट किया, मैं इसी से गौरवान्वित हूँ, और रानी जी हमारे साथ में हैं, तो पूरी तरीके से हम पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे हैं। एक बहुत अच्छी फिल्म लोगों को देखने को मिलने वाली है, और लोगों को ये फिल्म देखकर प्राउड होगा कि ये हमारी फिल्म है और हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसी फिल्में बनती हैं। तो लास्ट ये जानना चाहूँगा कि फिल्म जब रिलीज होगी, जब दर्शक देखेंगे, तो क्या एक संदेश लेके जाएंगे कि कितना ज़्यादा अहमियत है परिवार का या संबंधों का? हर कोई रिलेशन चाहे भाभी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, देवर हो, हर चीज़ देवरानी हो, सबकी बॉन्डिंग, उम्र का लहजा, सब कुछ जो लोग संस्कार में भूलते गए हैं, जो हमारे इंडिया, जो हमारा भारत, जो संस्कृति जानी जाती है पश्चिमी सभ्यता के लिए, जो है ये लोग ला ला के सब बर्बाद कर दिया, अब वो आएगा, एडवांस होना नहीं छोड़ेंगे, पर लेकिन संस्कार तो रहेगा, बड़े भाई तो बड़े भाई, भाभी तो भाभी, सब कुछ जो अभी घचा बिचा कर दिया है ना, कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि बहुत ही प्यारी फिल्म बन रही है हमारी भाभी माँ, जब भी आएगी जरूर देखिएगा, और अच्छी फिल्मों को जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का प्यार ही सब कुछ है। ये आप बताइए सर, क्या करना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? क्या इस फिल्म को लेकर ये कि जो संयुक्त परिवार जो विकसित हो चुका था प्रॉपर वे में, संयुक्त परिवार की जरूरत क्या है वो फिल्म दिखाएगी, और लोग इसे महसूस करेंगे और अंतर्मन से महसूस करेंगे। म्यूजिकल ये फिल्म तो इतनी एक्सीलेंट होने वाली है, बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छा म्यूजिक सभी को सुनने को मिलेगा। बड़ी मेहनत हो रही है, बहुत मेहनत, 6 महीने से म्यूजिक
स्क्रिप्ट एवरीथिंग इज फाइन, करेक्टर देख ही रहे हैं सब कुछ सब। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.